हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल निधि क्रिएटिव एंड हेल्दी रेसिपीज़ में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो आज मैं फिर आपके लिए एक बहुत ही इजी और टिफ़िन की रेसिपी या ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ, और ये है सैंडविच की। मोस्टली हमारे घरों में बनाया जाता है, तो एक नई ट्विस्ट के साथ मैं लेके आई हूँ, तो वीडियो पर बने रहना। तो ये मैंने लिया है लगभग आधा किलो आलू है, वो अच्छे से धो के हम इनको बॉईल कर लेंगे 4 से 5 सीटी आने पर, और जो अपनी फ्लेम है मीडियम टू स्लो रखना है। तो आलू हमारे उबल गए थे और ठंडे भी हो गए थे, तो इनको हम छील लेते हैं। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। तो ये आलू हमारे छिलकर तैयार हैं, तो अब हम इनको हाथों की सहायता से ही हल्का हल्का फोड़ लेंगे, मैश कर लेंगे। क्योंकि हमें इनको भूनना है, तो मैंने इनको थोड़ा मोटा ही रखा है, क्योंकि जो मोटे आलू होते हैं उनमें मसाला अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो अब लेंगे हम एक पैन, उसमें डालेंगे सरसों का तेल और इसको अच्छे से गर्म होने देंगे। और जब ये गर्म हो जाए तो इसमें डालूंगी मैं 1 छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड्स, सरसों के दाने, 1 चम्मच जीरा और 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अच्छे से भून जाने देंगे इनको और फिर अपने आलुओं को इस मसाले में डाल देंगे। और इसमें जाएंगे कुछ बेसिक मसाले, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, अमचूर पाउडर, और ये जाएगा अब हमारा स्वाद के अनुसार नमक। और सभी इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह की भाग दौड़ में हम ज़्यादा कुछ चटपटा खाने का भी मन करता है, और सैंडविच तो हमारा एक बेसिक ब्रेकफास्ट है जो हर घर में बनाया जाता है। और ये एक झटपट रेसिपी है, इसमें हमें कुछ ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ता। अगर आपके पास आलू हैं घर में, उसी से आप ये टेस्टी सैंडविच बना सकते हैं। और इसमें एक बहुत ही मैंने टेस्टी इंग्रेडिएंट डाला है जिसको हम यूज करेंगे सैंडविच बनाने में। तो ये डाला हमने हरा धनिया, इसको भी डालकर कर देंगे मिक्स। और ये हमारा जो मसाला है आलू का सैंडविच का, ये तैयार है। देखिए, आलू को हम आसानी से मैश कर देंगे और हमारा जो मसाला है वो अच्छे से आलू में कूट भी हो गया है। और अब हम इस मसाले को ठंडा करने के लिए एक दूसरे प्लेट में या किसी भी आप दूसरे कंटेनर में इसको निकाल लीजिए, जिससे ये अच्छे से। तो मैंने ये अपनी परात में ही इसको निकाल लिया था जिसमें हमने आलू मैश किए थे। और देखिए, हमारे आलू भी अच्छे से मैश हो गए हैं। तो हमें जो अपना आलू सैंडविच के लिए जो आलू की मसाला तैयार करना है, इसी तरह से तैयार करें। और ये बिना लहसुन प्याज का मैंने बनाया है। अब ये मैंने 2 व्हाइट ब्रेड ली हैं, आप ब्राउन भी ले सकते हैं। अब हम अपने जो मसाले को, अपने स्टफिंग को इसमें अच्छे से स्प्रेड कर देंगे इस तरह से। और अब डालूंगी मैं बच्चों की फेवरेट स्लाइस वाली जो चीज़ होती है उसको लगाऊंगी। तो है ना एक ट्विस्ट। तो फ्रेंड्स, ये बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है, आजकल तो बच्चे बड़े भी पसंद करते हैं। तो आप इसको लगाएं, और अब इसके ऊपर लगा देंगे हम घी या बटर। और इसको हम नॉर्मल, ये हमारे पुराने ज़माने का सैंडविच मेकर है, इसको हम यूज करेंगे।
आप इसको ग्रिल भी कर सकते हैं, तवे पर भी सेक सकते हैं, बट मैंने आज ये सैंडविच बनाने का ये लिया है। तो इसको हम अच्छे से पहले इसको हम प्री हीट कर लेंगे और जब हम अपने ब्रेड इसमें लगाएंगे, और इससे जो है हमारा सैंडविच बहुत ही कुरकुरा और बहुत ही टेस्टी बनता है, बिल्कुल ये पैटीज की तरह लगता है। तो ये देखिए दोनों तरफ से ये अच्छे से सिक गया है। चलिए इसको निकाल लेते हैं हम एक प्लेट में और इसको करेंगे हम सर्व ग्रीन चटनी के साथ। आप सॉस के साथ भी खा सकते हैं बट मुझको ये ग्रीन चटनी के साथ अच्छा लगता है। तो एंजॉय कीजिए अपने ब्रेकफास्ट को और झटपट से बनाएं इस ब्रेकफास्ट को और एंजॉय करें। ये कितना कुरकुरार नहीं टेस्टी बना है ये। आई होप ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। बाय बाय, टेक केयर एंड हेल्दी खाएं, हेल्दी रहिए।